नमस्ते दोस्तों आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे भकत ममात भकत म पित भकत मठे धन भकत मोहर कसण पाइले बैकुंठे की लागे मनो भक्त मेरे माता भक्त मेरे पिता और भक्त मेरे सबसे प्रिय सबसे निकट है जब भक्त के ऊपर दुख गिनने लगता है तब मेरा मन बैकुंठ में नहीं लगता मैं तुरंत ही भक्त के पास चला आता और उसका दुख को हरण कर लेता आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि भगवान पर लोगों का भरोसा टूट चुका है लेकिन महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी इसी बात को अपनी मालिका ग्रंथ में कहा है कि आने वाले समय में एक ऐसा समय आ रहा है कि ये जो सारे वैज्ञानिक यंत्र ये सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और जितने भी प्लांट्स एंड इंडस्ट्री ये सब शून्य में ब्लास्ट होगा तो महापुरुष इसके बारे में अपनी मालिका ग्रंथ चकड़ा मड़ान में क्या लिखा है उससे हम आपको पढ़कर सुना देते हैं विराट नगर प्रवेश हुईवे बड़ राम संगे जीवे कल कारखाना शून्य भांगी जीव गुप्ते के ही न जाबे इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं जब भगवान श्री श्री कलकी देव अपनी ज्येष्ठ भाता भगवान बलदेव जी के साथ विराट नगर में प्रवेश करेंगे उसी समय शून्य में जितने भी सारे प्लांट्स एंड इंडस्ट्री ब्लास्ट होने लगेंगे आपके जानकारी के लिए एक बात बता दें यहाँ जिसे विराट नगर कहा गया है वो उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट का चौदार है जहाँ विराट गादी अभी भी मौजूद है इसी जगह पर पंचो पांडव माता द्रौपदी के साथ छिपे थे और यहाँ महावली भीम कीचक का वध भी किए थे जब शून्य में प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज ब्लास्ट हो रहे होंगे तभी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है निवेदी भजन नाही देह ज्ञान मोही भूमि काल एक कालो एकत्रश प्रकाश हुई अमर और भूमिरो खेलो यहाँ पवित्र भारतवर्ष को अमर भूमि कहा गया है क्योंकि इसी अमर भूमि में अभी भी बहुत सारे अमरगण निवास करते हैं और इसी अमर भूमि में बहुत सारे साधु संत लाखों या हजारों सालों से तपस्या में रत है वे लोग अपनी शरीर को भूलकर ज्ञान प्राप्ति में अभी भी व्यस्त हैं और समाधि में लीन हैं यहाँ महापुरुष कहते हैं एकत्र विंशे अर्थात 2031 में इसी अमर भूमि इसी भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा सत्य का प्रकाश होने वाला है रे कर्मरे बड़ीमा न था पूर्वे कही मते मोते श्रीगुरु करुणा दिनों को नहेले भेटो नहीं लेखा जंत्रे इस पंक्ति को आप जरा ध्यान से समझने की प्रयत्न करना यहाँ महापुरुष कह रहे हैं निष्काम कर्म में कोई बड़ापन नहीं होता आजकल लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं लेकिन यहाँ महापुरुष कहा है कि बिना गुरु के आशीर्वाद से आपके पास जितना भी कंप्यूटर नॉलेज है वो सब के सब व्यर्थ है अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि महापुरुष यहाँ कंप्यूटर नॉलेज के बाद क्यों कहा यहाँ महापुरुष एक वर्ड इस्तेमाल किया है लेखा यंत्र तो दोस्तों ये लेखा यंत्र क्या होता है मतलब एक डिवाइस जिसके माध्यम से जिसके थ्रू आप लिखते हो मतलब ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर राइटिंग पर्पस जैसे कि आप कंप्यूटर को ले सकते हैं टैबलेट को ले सकते हैं या फिर हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन को भी ले सकते हैं इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष ये कहते हैं लेखा जंत्र मान उलटी ही पढ़ा ज्ञानी है बना। बणा मंग मंगो बोल न मानी ज्ञान ज्ञानों को ही अक्कोड़ो इसमें महापुरुष ये कहना चाहते हैं कि जब आने वाले समय में लेखा यंत्र अर्थात जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर आप मोबाइल फोन को ले सकते हैं ये सभी चीज़ें काम करना बंद कर देंगे तभी जो सो कल्ड वाइज पीपल है उनका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगा कि ये सब चीज़ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है तो दोस्तों प्रॉब्लम तभी होता है जब इंसान अपने आप को भगवान से भी ज़्यादा चालक मानता है वो ऐसा सोचता है कि मैं भगवान से भी स्मार्ट हूँ मनुष्य के अंदर ये अज्ञानता एक दिन मनुष्य समाज का विनाश का कारण बनेगा भगवान की प्राप्ति ज्ञान से नहीं हो सकता अगर हम उन्हें अपने ज्ञान के माध्यम से ढूंढने की प्रयास करेंगे तब हमें कई योग लग सकता है लेकिन भगवान का तभी भी दर्शन नहीं होगा भगवान तो प्रेम के भोगे हैं भगवान तो भक्ति के प्यासे हैं प्रेम और भक्ति के मार्ग से भगवान की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो सकता है नहीं तो हमें योग लग जाएंगे तभी भी भगवान का प्राप्ति नहीं हो सकता लख पंचाशी ग्रंथों मुहि कली पद्य पदावली तेरह तीन सौ अठारह मालिका लिखिली रोही नेमाल अठारह महापुरुष इसमें कहते हैं कि मैं अपनी पूरे जीवन काल में वन लाख एंड एटी फाइव थाउजेंड ग्रंथ की रचना की जिसमें से तेरह पद्य और पदावली है और उनमें से 318 मालिका ग्रंथ है और ये सब में भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के कहने पर नेमा गादी में बैठ कर लिखा घोर कलिका हो प्रबल दया धर्म न रही व घोरो बनना है व चैत्र मास भांगी जीव इसमें महापुरुष ये कहना चाहते हैं जब कलियुग अपनी अंतिम अवस्था में होगा तभी इसी पृथ्वी पर दया और धर्म नामक कोई चीज नहीं रहेगा चैत्र के महीने में प्रबल बनना होने के कारण बहुत संख्यक का घर उजड़ जाएंगे तो दोस्तों यह रही कुछ बातें जो आने वाले समय में जरूर होगा और महापुरुष ने इसे बचने का एक उपाय बताया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम धर्म और सत्य की राह पर चलना इसे कभी मत छोड़ना तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा हम इसका उत्तर जरूर दे देंगे तो आप सभी को जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय उड़ीसा जय भारत